किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11,00,000 करोड़ रुपए माफ किया, 11,00,000 करोड़ रुपए। आप मोदी जी कहाँ है, मोदी जी कहाँ है? ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है। उसको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है, और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2,50,000 करोड़ रुपए, 2,50,000 करोड़ रुपए मान्यवर, 2,50,000। वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा उसकी रियायत क्यों कम कर दी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मान्यवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11,00,000 करोड़ रुपए माफ किया, 11,00,000 करोड़ रुपए। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2,50,000 करोड़ रुपए, 2,50,000 करोड़ रुपए मान्यवर, 2,50,000 करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, एक इंसान को 2,50,000 करोड़ रुपए, और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही है मान्यवर, यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद ये सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई, 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर, उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है। मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं, मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है। विधायक खरीदने में लगे। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं,
800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया। आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। आपकी सरकार डीएचएफएल के लिए काम करती है। 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। माननीय, इनसे हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं जाती ईडी इनके पास, क्यों नहीं जाती सीबीआई इनके पास, इनसे सवाल पूछना चाहिए। माननीय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खाने के लिए आपके पास सरकार के पास पैसा नहीं, उस पर तो टैक्स बढ़ा देते हो, लेकिन गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को, जहरीली शराब। 75 लोग जहरीली शराब पी के गुजरात के अंदर मर गए। मानो 75 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जाते हैं देखने, गुजरात का मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उन लोगों से मिलने जाते हैं। माननीय, और मैं ये कहना चाहता हूँ, नो पॉइंट ऑफ, आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग सर, वन मिनट सर, आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग, लेट मी कंप्लीट सर, सर सर बस खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद आई टेक द पॉइंट। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है मान्यवर, ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात में मान्यवर, गुजरात के अंदर, गुजरात में नवासारी एक जगह है, गुजरात में सीआर पार्टी के जहां के सांसद, नहीं सर आई एम नॉट एल्डिंग, इसी चेयर से कहा गया जब बोलते रहो तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। नो 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 सर, नो आई एम नॉट एल्डिंग, बात खत्म कर रहा हूँ, मेरा लास्ट पॉइंट सर। ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है सरकार। एक बिल्डर गुजरात के अंदर सीआर पाटिल के इलाके में, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन्होंने। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया।